हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे हैं बाइक मास्टर 07। सो गाइज, आज हम आपके लिए ले गए हैं साइलेंसर स्प्लेंडर के लिए, जो कि हम इसमें तीन मॉडल साइलेंसर ले गए हैं, तो तीनों की टेस्टिंग कराने वाले हैं हम आपको। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमारे पास स्प्लेंडर है जो कि BS4 मॉडल बाइक है। सो गाइज, इसके अंदर हम BS6 मॉडल का साइलेंसर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं आप पूरी वीडियो में देखते रहे, अंत तक के बने रहे। तो कैसे हम इसमें BS6 मॉडल का साइलेंसर इंस्टॉल करते हैं, सो गाइज आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी स्प्लेंडर सिल्वर कलर की है जो कि BS4 मॉडल है। सो गाइज, सबसे पहले हम इसके अंदर साइलेंसर इंस्टॉल करके आपको आवाज़ चेक करा देंगे कैसी आवाज़ निकलती है। सो गाइज, सबसे पहले हम साइलेंसर इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं शिमो कंपनी का। तो शिमो कंपनी की आवाज़ हम टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं, तो कैसे आवाज़ इसकी कैसी निकलती है। सो गाइज, वीडियो में अंत तक के बने रहे, तो मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, तो आप अपनी BS4 बाइक में BS6 साइलेंसर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज, पहले हम ये वाला साइलेंसर इसके अंदर इंस्टॉल करके दिखा देते हैं शिमो कंपनी का, इसकी साउंड आपको टेस्ट करा देते हैं। तो फटाफट से इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। सो गाइज, आगे के दो पेज मिलेंगे आपको 10 नंबर की गुट्टी से, जो कि आपको खोल लेने हैं, और पीछे बोल्ट मिलेगा उसको भी आपको खोल लेना है। उसके बाद आप पुराना साइलेंसर निकालेंगे, नया इंस्टॉल करेंगे। तो गाइज, फटाफट से हम इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद फिर मैं आपको साउंड चेक कराता हूँ, साउंड कैसे निकलते हैं। सो गाइज, अगर आप हमारी वीडियो पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो गाइस, वीडियो में अंत तक के बने रहे ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। और सो फटाफट से मैं इसकी टेस्टिंग करा के दिखा देता हूं। तो इसको हम पूरा इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, फटाफट से इसकी टेस्टिंग करा देता हूं। तो आप इसके साउंड चेक करा देता हूं मैं आपको, तो आप इसके साउंड सुन सकते हैं गाइस। सो कैसे साउंड निकल रहे हैं इसके, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं इसके साउंड कैसे निकलते हैं। सो गाइज, इसका आप लुक देख सकते हैं, ऊपर हमें इसके ऊपर ब्लैक कलर की प्लेट मिलती है, जो कि ये पूरा सिल्वर कलर में आता है साइलेंसर। जो गाइज, इसका पीछे से गोल्ड मिलेगा, जो जिसका होल है जो बहुत मोटा होता है होल। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमारी शॉप है। सो गाइज, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको ये साउंड कैसे लगे सिलेंसर के। तो गाइज, दूसरा कंपनी का साइलेंसर लगा रहे हैं HK का, जो कि आपको पूरा स्टील में ही मिलता है, स्टील बॉडी में। इसके ऊपर भी ब्लैक कलर की प्लेट आती है, जो कि बहुत अच्छा इसको लुक देती है। सो गाइज, इसको भी मैं फटाफट से इंस्टॉल करके, तो गाइज़ आप देख रहे हैं ये पैकिंग जो मैं लगा रहा हूँ। तो गाइज़, अगर आपकी BS4 बाइक है, सो गाइज़ उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप ड्यूल पैकिंग लगाएंगे। अगर आपकी BS6 बाइक है तो उसमें सिंपल आप साइलेंसर ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज़, BS6 में और BS4 में फ़र्क इतना होता है, जो आगे का होल होता है BS6 का थोड़ा छोटा होता है और BS4 का थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए हमें डबल पैकिंग लगाना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमारी जो साउंड क्वालिटी होती है और इम्प्रूव हो जाती है, तो अच्छे साउंड बहुत अच्छे से निकलने लग जाते हैं हमारे। सो गाइज, BS6 साइलेंसर के साउंड जो है बहुत बेस्ट साइलेंसर के साउंड है, तो इसलिए हम BS6 साइलेंसर इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं BS4 बाइक में। तो आप देख सकते हैं ये HK कंपनी का मैं साइलेंसर इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद तो मैं इसको आपको टेस्टिंग कराने वाला हूँ। तो गाइज, एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए, चोट लग गई थी काम करते करते। तो गाइज, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इतनी मेहनत से। तो गाइज, फटाफट से एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, आप इसका भी लुक देख सकते हैं पीछे से, पीछे से हमें गोल्ड लुक मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल सोने की तरह। सो गाइज, ऐसी कंपनी का साइलेंसर है, तो फटाफट से इसकी भी टेस्टिंग मैं आपको करा देता हूँ, तो कैसे साउंड निकल रहे हैं। तो आप इसके साउंड सुन सकते हैं, अब आप देख सकते हैं। तो गाइज, अच्छी कंपनी का भी जो साइलेंसर होता है उसका भी बहुत प्यारा लुक आता है, तो आप अपनी बाइक में इसे इंस्टॉल करा सकते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं इसका भी गोल्ड कलर का मिलता है हमें पीछे से। तो गाइज, दोनों साइलेंसर की टेस्टिंग कराई है, बहुत अच्छे साइलेंसर है। तो गाइज, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सा साइलेंसर अच्छा लगा है। तो लास्ट साइलेंसर रह रहा है, वो भी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ, पहले वीडियो में अंत तक के बने रहे। तो गाइज, तीसरा हमारा साइलेंसर है GCL कंपनी का, तो इसको भी हम टेस्ट कराने वाले हैं आज। तो गाइज, इसको भी आपको सिंपल से ऐसे ही फिटिंग करनी है जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में।
तो इसकी भी मैं फटाफट से टेस्टिंग कराने वाला हूँ। तो तीनों साइलेंसर मैंने आपको चेक कराए हैं एक ही बाइक में। सो गाइज आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे कौन सा साइलेंसर आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। सो गाइज बहुत काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, टाइम नहीं लग रहा है, थोड़ा चोट साट लगी है तो उस वजह से टाइम नहीं लग रहा है, तो आज वीडियो बना रहा हूँ गाइज। तो प्लीज़ वीडियो में प्यार बनाइए और वीडियो को पूरा देखिए। सो आप देख सकते हैं इसके साउंड कैसे निकल रहे हैं। जो कि ओरिजिनल सिलेंसर है ओरिजिनल। सो गाइस ये हमारा पूरा सिल्वर में आता है, तो इसका पीछे से जो होल होता है ब्लैक होता है, तो छोटे होल वाला सिलेंसर है। तो गाइस जो एच के और सीमो कंपनी का है तो उसका होल बड़ा होता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एक सब्सक्राइबर की जरूरत है।